नमस्कार, मैजिक रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सी रेसिपी शेयर करेंगे जो मीठा होगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे बिस्किट काकाओ पुडिंग, जो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी है। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल भी आप जज नहीं कर पाएंगे। ये बिस्किट से बनाई हुई है, बिल्कुल एक केक की तरह टेस्ट देगी। चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को और देख लेते हैं इसको हम कैसे बना रहे हैं। सबसे पहले हमने गैस ऑन करके एक चाय वाला पैन इसके ऊपर रख दिया है। उसके अंदर हम दूध डालेंगे, 2 कप के करीब, जो आधा लीटर दूध होगा वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। दूध के अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच काकाओ पाउडर और साथ में हम डालेंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लावर 2 चम्मच के करीब। 2 चम्मच हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दिया है। अभी हमने गैस को ऑन नहीं किया है, गैस हम तभी ऑन करेंगे जब हम इसके अंदर सारी चीज़ें पहले दूध के अंदर डाल लेंगे, उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम गैस ऑन करेंगे। और 4 चम्मच हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आप चीनी की मात्रा बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। हमने इसके अंदर 4 चम्मच के करीब चीनी डाल दी है क्योंकि काकाओ पाउडर भी थोड़ा मीठा ही होता है। और चीनी डालकर बहुत ही अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। हमने इसको बहुत ही अच्छे से मिला लिया, गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। अभी हम बिस्क की मदद से इसको लगातार चलाते हुए ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला है, वो जल्दी से गाढ़ा भी हो जाता है और इसकी गुठलियाँ ना बनने पाए, इसीलिए हम इस तरीके से इसको बिस्क की मदद से मिक्स करेंगे। बहुत ही स्मूथ सा इसका एक बैटर बनाएंगे। मिश्रण के अंदर हम चॉकलेट डालेंगे। 1 पूरी चॉकलेट हमने इसके अंदर तोड़कर डाल दी है। नॉर्मल जो चॉकलेट होती है उसी का यूज़ हम कर रहे हैं, वही चॉकलेट हमने मिश्रण के अंदर डाल दी है। मिश्रण के अंदर डालकर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2-3 मिनट तक हम इसको लगातार चलाते हुए ऐसे ही पकाएंगे। आप देख सकते हैं जो हमारा मिश्रण गाढ़ा हो रहा है और लगातार चलाते ही ऐसे स्टर करते रहेंगे। बिल्कुल मीडियम आँच पर ही हम इसको पकाएंगे गाढ़ा होने तक। आप देख सकते हैं इसका मिश्रण कितना गाढ़ा हो रहा है, बहुत ही अच्छा सा थिक होना चाहिए। अभी हम इसके अंदर 1 चम्मच के करीब बटर डाल देंगे, मक्खन डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। लगातार चलाते हुए ही इसको मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से मिलाते जाना है और बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और सिल्की सा हमारा ये बैटर बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा सा बन चुका है। देखिए हमें बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके की ही रखनी है, ठंडा होने के बाद ये मिश्रण और भी गाढ़ा हो जाएगा। हमने इस तरीके का बैटर बना लिया है, हमारा ये मिश्रण बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम हल्का ठंडा कर लेंगे, लगातार चलाते हुए ही हमें इसको ठंडा करना है, नहीं तो इसके ऊपर एक हल्की सी एक मलाई सी जम जाती है क्योंकि ये ऊपर से ऐसे सूख जाता है क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाला है, उसकी वजह से इसके ऊपर हल्का सा ऐसे मलाई सी हो जाती है। अगर आप इसको लगातार चलाते हुए थोड़ा ठंडा कर लेंगे तो बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बना रहेगा। हमने इसको हल्का ठंडा कर लेना है, उसके बाद हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। जब तक कि हमारा ये ठंडा हो रहा है, ये हमने नॉर्मल बिस्किट लिए हैं। आप इसकी जगह कोई भी और भी जो आपके पास बिस्किट हैं, गोल या चोर्स, हाँ उसका आप इस रेसिपी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस तरीके के बिस्किट लिए हैं, इसको हम ट्रे के अंदर लगा देंगे, जितने जिस तरीके से भी आ जाएँ उसी तरीके से ट्रे के अंदर अच्छे से लगा देंगे। ट्रे के नीचे हमने ये बिस्किट लगा दिए हैं, कुछ तोड़ के भी लगाए आप देख सकते हैं, और एक ही हमें लेयर लगानी है। पहले जो हमने बैटर तैयार करके रखा था वो हल्का ठंडा भी हो चुका है, उसकी एक ऊपर लेयर और लगा देंगे। बिस्किट के ऊपर हम एक पतली सी इसकी एक लेयर लगा देंगे और जो हमने कॉर्नफ्लावर और काकाओ का जो बैटर बनाया था वो हमने बिस्किट के ऊपर डाल दिया है, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे बिस्किट के ऊपर। देखिए हमने बिस्किट के ऊपर एक लेयर लगा दी है, इसके ऊपर हम फिर से बिस्किट लगा देंगे। इसी तरीके से ही हम 3-4 बार ऐसे ही बिस्किट लगाते जाएंगे और उसके ऊपर जो बैटर डालते जाएंगे। एक एक ही बिस्किट की लेयर लगानी है, ज़्यादा नहीं। एक बार हम बिस्किट लगाएंगे, उसके ऊपर हम जो हमने बैटर बनाया है वो लगा देंगे। इसी तरीके से ही
हमने दूसरी लेयर भी बिस्किट की लगा दी है और इसके ऊपर बैटर लगा देंगे। आप जितनी भी लेयर बनाना चाहे उसी हिसाब से आप इसके ऊपर बिस्किट लगाते जाइए और ये बैटर डालते जाइए। टोटल मैंने 4 लेयर इसकी बिस्किट की लगाई है इसके ऊपर और इसको हम फ्रिज के अंदर रख देंगे। उतने में हम इसके लिए एक और इसके टॉप वाली जो लेयर बनानी है उसके लिए हम तैयारी कर लेते हैं। वो टॉप लेयर बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनेगी। वो हम बना रहे हैं क्रीम से, देख लेते हैं वो लेयर हम किस तरीके से बना रहे हैं। वो बिल्कुल स्मूथ सिल्की सी और टेस्टी भी होगी। चलिए देख लेते हैं हम कैसे बनाएंगे। क्रीम वाली लेयर को बनाने के लिए गैस ऊपर हमने एक पैन रख दिया है और उसके अंदर हम डालेंगे क्रीम, जो हैवी क्रीम होती है वो ही हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। 1 कप हम इसके अंदर क्रीम का यूज़ कर रहे हैं। क्रीम हमने पैन के अंदर डाल दी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 2 चम्मच हमने इसके अंदर चीनी डाल दी है, मिक्स कर लिया है। और डालेंगे अब हम इसके अंदर चॉकलेट, जो नॉर्मल जो ब्लैक चॉकलेट होती है वो ही हम इसके अंदर डाल रहे हैं। वो चॉकलेट हमने 1 इसके अंदर डाल दी है। अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि बढ़िया से चॉकलेट भी मिक्स ना हो जाए। और आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ चुका है, बहुत ही क्रीमी सी हमारा ये ऊपर वाली लेयर बनेगी और टेस्टी भी होगी। हमने इसके अंदर ब्लैक चॉकलेट का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो डेरी मिल्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। मीडियम आंच पर ही हम इसको गाढ़ा करेंगे। थोड़ी सी ये गाढ़ी हो जाएगी तो गैस को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने लगातार चलाते हुए इसको गाढ़ा कर लिया है। बहुत ही अच्छे से ये गाढ़ी भी हो चुकी है, ठंडी होने के बाद और भी अच्छे से ठीक हो जाएगी। ये हमारी चॉकलेट की गनाश बन चुकी है ऊपर डालने के लिए और हम टॉप लेयर पर इसको ही डालेंगे। फ्रिज के अंदर हमने जो ट्रे रखी थी वो निकाल लेंगे, उसके ऊपर अब हम गनाश डालेंगे जो हमने तैयार की है क्रीम वाली, और इसके ऊपर डालकर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। हमने गनाश इसके ऊपर डाल दी है और बहुत ही अच्छे से इसको स्मूथ कर लेना है ऊपर से। हमने इसको बहुत ही अच्छे से स्पैचुला की मदद से बहुत ही अच्छे से फैला लिया है और बहुत ही सिल्की स्मूथ सी हमारी ये गनाश ऊपर से लग रही है, क्रीमी सी। और कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आ गया है, बिल्कुल केक जैसा लग रहा है। इसका टेस्ट भी बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बनता है। और साथ में हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं वाइट चॉकलेट से, जिसको हमने एक वाइट नॉर्मल चॉकलेट ली, उसको हमने कटोरी के अंदर डाला और माइक्रोवेव में रखा आधे मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, आधे मिनट से भी थोड़े कम सेकंड में हमने इसको मेल्ट कर लिया है। जो चॉकलेट मेल्टेड हमने एक पाइपिंग बैग के अंदर भर ली थी और उसको हमने इस तरीके से कोन को कट कर लिया है और इसके ऊपर हम डाल देंगे, जिससे हमारा ये डिज़र्ट बहुत ही बढ़िया देखने में भी लगेगा और खाने में भी बहुत टेस्टी बनेगा। हमने अच्छे से इसके ऊपर इस तरीके से वाइट चॉकलेट से इसको सजा दिया है। अब हम 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज के अंदर रखेंगे। अगर आपके पास समय है तो इसको 3-4 घंटे फ्रिज के अंदर रखिए, बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने 1 घंटे बाद इसको फ्रिज से निकाल लिया है और अब हम इसको काटते हैं। और देखिए बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार हो चुका है, एक बड़ा सा पीस निकालेंगे। अगर आप इसको 3-4 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रखेंगे, अच्छे से सेट होने देंगे तो बहुत ही अच्छा बनकर आता है और बहुत ही अच्छे इसके पीसेस निकल जाते हैं। हमारा ये बिना बेक के बहुत ही अच्छा टेस्टी सा केक बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी थी, आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और जल्दी से मिलते हैं अपनी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।